रामपुर के थाना अजीम नगर क्षेत्र का ग्राम रतनपुरा सुमाली में मस्जिद में रखे पवित्र कुरान और सिफुन को जलाने के संबंध में आज तंजीम इत्तेहादे मिल्लत के दर्जनों भर कार्यकर्ता कचहरी परिसर पहुंचे और डीएम को ज्ञापन सौंपा कि इस तरह का घिनौना अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। डीएम साहब से मिलने आया था और ये जो मामला है ये 20 दिन पहले रतनपुरा शुमाली गांव है, एक तहसील सदर, वहां पर कुछ ऐसे फिरकापरस्त और शरपसंद अनासिर ने वहां की बड़ी मस्जिद के अंदर जो है वहां कुरान करीम को नजर आतिश किया और भी वहां पर मस्जिद को भी आग लगी उसमें और वहां की सफ़े जला दी गई और वहां जो है वो गंदगी लैटरिन भी उसने की। इस कदर ऐसी नापाक हरकत को लेकर उस गुस्से को लेकर डीएम साहब के पास आए थे कि पुलिस जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं है और जो शरपसंद अनासिर हैं वो अपनी शरपसंदी पर उतरे हुए हैं और शरपसंदी बराबर जारी है वहाँ पर। खुदा ना खास्ता कोई भी किसी तरह के हालात के खराब हो सकते हैं, हमारा गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, हिंदू मुस्लिम एकता का शहर है, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ऐसी घटती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। वही हम डीएम साहब से कहने के लिए आए थे।